हेलो दोस्तों, वेलकम टू समड अप। दोस्तों, कुछ महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बारे में, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि कैश फ्लो क्वाड्रेंट के चार हिस्से होते हैं, यानी ESBI, और इस ESBI के बीच में आप कहां पे स्टैंड करते हैं और आपको ज्यादा अमीर होने के लिए किस क्वाड्रेंट में मूव करना चाहिए। ज्यादातर मिडिल क्लास लोग ई या एस में होते हैं और उन्हें ज्यादा पैसा बनाने के लिए बी या आई में मूव करना पड़ेगा। इसलिए आज की इस वीडियो में हम रॉबर्ट कियोसाकी की एक और बुक द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी से देखने वाले हैं कि कैसे एक ई या एस क्वाड्रेंट वाला इंसान बी यानी बिग बिजनेस के क्वाड्रेंट में मूव कर सकता है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। आप में से काफी लोग या तो पढ़ाई कर रहे होंगे या जॉब कर रहे होंगे। आप काफी हार्डवर्क करके ये सीढ़ी चढ़ने की कोशिश कर रहे हो। फिर भले ही आप सीढ़ी के बॉटम पे एक इंटर्न हो या फिर बीच में एक मैनेजर या फिर टॉप पे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बन चुके हो, आप इस लेडर पे कहां तक पहुंचे हैं ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। जो चीज मैटर करती है वो ये है कि आप रुक के अपने आप से पूछें कि जो टाइम आप लगा रहे हैं जिस लेडर पे चढ़ने के लिए, वो लेडर आपको असल में कहां लेके जाएगा। क्योंकि दोस्तों, ये मैटर ही नहीं करता कि आप कितना जल्दी और कितना ऊंचा चढ़ सकते हैं। अगर वो लेडर ही गलत दीवार पे लगा हुआ है तो आप अपनी मंजिल पे कभी भी नहीं पहुंच सकते। और अगर आप ऐसी दीवार पे नहीं चढ़ना चाहते, आप उस मंजिल से खुश नहीं है, तो आपको अपना लेडर मूव करना पड़ेगा। दोस्तों, काफी लोगों को लगता है कि वो कितने अमीर हैं ये इस पे डिपेंड करता है कि वो कितना कमा रहे हैं, क्योंकि फोर्ब्स मैगजीन आपको अमीर तब मानता है जब आप $1 million कमाते हैं हर साल। दोस्तों, आप कितना पैसा बनाते हैं उससे कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि वो पैसा आप कैसे बनाते हैं। और पैसा बनाने के यही चार सोर्सेज हैं जहां से आपका पैसा आता है, जिसे हम कैश फ्लो क्वाड्रेंट कहते हैं। वो चार क्वाड्रेंट्स हैं ESBI, ई फॉर एम्प्लॉई, एस फॉर स्मॉल बिजनेस, बी फॉर बिग बिजनेस और आई फॉर इन्वेस्टर। पहला है ई क्वाड्रेंट, जिसे हम एम्प्लॉई कहते हैं। वो पैसा अर्न करता है एक जॉब करके या किसी और के लिए काम करके। हम में से ज्यादातर लोग इसी के बारे में सीखते हैं, इसे ही जीते हैं, इसे प्यार करते हैं और फिर अपनी लाइफ में कभी भी इस ई क्वाड्रेंट को नहीं छोड़ते, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारा कल्चर हमें ट्रेन करता है कि हम मरते दम तक इसे गले से लगा के रखें। इस क्वाड्रेंट में रहने वाले लोगों की सोच यही होती है कि मेरे बाप दादा ने मुझे यही सिखाया है और मेरे स्कूल ने भी मुझे यही सिखाया है कि बेटा स्कूल जाओ, अच्छे ग्रेड्स लो, अच्छी जॉब ले लो एक बड़ी कंपनी में और फिर लाइफ सॉर्टेड है। और दूसरा है द एस क्वाड्रेंट, एस फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड या स्मॉल बिजनेस, जो पैसा अर्न करता है अपने आप के लिए काम करके, जो अपना छोटा बिजनेस चलाता है। एस क्वाड्रेंट में रहने वाले लोग आजादी के जज्बे से भरे होते हैं और काफी एस वाले लोग ई से ही मूव करके आते हैं। यहाँ लोग छोटा बिजनेस स्टार्ट करते हैं। काफी लोग जैसे फ्रीलांसर्स, बार्बर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, एजेंट्स एस क्वाड्रेंट से ही होते हैं। फिर भले ही आप 10,000 कमाएं या 10 लाख, लॉन्ग टर्म में एस क्वाड्रेंट भी आपके लिए एक दलदली है। एस क्वाड्रेंट में रहने वाले लोगों को लगता है कि वो अपने बॉस हैं, लेकिन हकीकत यही है दोस्तों कि वो भी एक गुलाम है। लेकिन सिर्फ फर्क इतना है कि पहले अपने प्रॉब्लम्स के लिए वो अपने बॉस को गालियां देते थे, अब वो सिर्फ अपने आप को देते हैं। एस क्वाड्रेंट में रहते हुए आप इंडिपेंडेंट तो हैं, लेकिन आपके पास फ्रीडम नहीं होती, यानी आप कभी भी खुद को छुट्टी नहीं दे सकते। अगर आप काम से हटे तो आपका बिजनेस भी गया, क्योंकि आप इधर छुट्टी पे जाएंगे उधर आपकी कमाई बंद हो जाएगी। रियलिटी में अगर देखा जाए तो एस भी एक स्लेवरी ही है, क्योंकि यहाँ आप अपने बिजनेस के मालिक नहीं है, बल्कि आपका बिजनेस आपका मालिक है। आपका बिजनेस जैसे चाहे आपको चलाता है, आप अपने बिजनेस को नहीं चलाते। फिर आता है बी क्वाड्रेंट, बी इज फॉर बिग बिजनेस ओनर्स, जो पैसा कमाता है एक बड़ा बिजनेस चला के, जिसमें 100 से भी ज्यादा लोग काम करते हैं। इस क्वाड्रेंट में लोग बड़े बिजनेस बनाने चाहते हैं। एक बहुत बड़ा फर्क एस बिजनेस और बी बिजनेस में ये होता है कि आप खुद भी एस बिजनेस में काम करते हैं, लेकिन बी बिजनेस आपके लिए काम करता है। यानी आप काम करें या ना करें, आपका बिजनेस आपको पैसा बना के देता है। और चौथा है आई क्वाड्रेंट, और चौथा है आई क्वाड्रेंट, आई फॉर इन्वेस्टर, जो पैसा कमाता है अपनी इन्वेस्टमेंट से, यानी उसका पैसा उसके लिए पैसा बनाता है। तो आइए अब हम कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं। हमारी पहली एग्जांपल है एक टीचर। अगर आप एक टीचर हैं तो आप ज्यादा करके ई या एस क्वाड्रेंट में हो सकते हैं। अगर आप कहीं जॉब करके पढ़ाते हैं तो आप ई में हैं, लेकिन अगर आप अपने ही इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं तो आप एस हुए। दूसरा है डॉक्टर। अगर डॉक्टर किसी हॉस्पिटल में जॉब कर रहा है तो वो ई में है, अगर वो अपना ही क्लिनिक चलाता है तो वो एस में है। वैसे ही एक शेफ के लिए, अगर वो किसी और के होटल या रेस्टोरेंट में काम करता है तो वो ई में है, अगर वो अपने ही रेस्टोरेंट में खुद कुक करता है तो वो एस में है। आपको ई या एस से निकल के बी में जाने के लिए अपनी इनकम को पैसिव बनाना पड़ेगा, यानी जब आप काम ना करें तब भी आप पैसा कमाते रहें। दोस्तों, अगर आप सिर्फ अमीर होना चाहते हैं तो आप किसी भी क्वाड्रेंट में रह के अमीर बन सकते हैं, लेकिन कुछ क्वाड्रेंट्स ऐसे हैं जहां आप ज्यादा फ्रीडम के साथ ज्यादा जल्दी अमीर बन सकते हैं।
दुनिया के ज्यादातर अमीर लोग बी या आई क्वाड्रेंट में होते हैं, क्योंकि यहाँ वो पैसा बनाने के साथ साथ अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये चार क्वाड्रेंट्स कोई बिजनेस नहीं है कि आप एक बिजनेस को छोड़ के दूसरे में चले जाएं, बल्कि ये चार क्वाड्रेंट्स चार अलग सोच वाले लोग हैं। आप किस क्वाड्रेंट से अपनी इनकम कमाते हैं ये आपके हालात या आपके अपॉर्चुनिटीज पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि लॉन्ग टर्म में ये आपके अंदर की दबी हुई सोच पे डिपेंड करता है कि आप अंदर से किस तरह के इंसान हैं, आपकी स्ट्रेंथ आपकी वीकनेसेस क्या हैं और आपके इंटरेस्ट क्या हैं। इसलिए इन चार क्वाड्रेंट्स के लोगों की सोच का फर्क समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ई या एस से मूव करके बी में जाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। ना सिर्फ आपको अपनी सोच को बल्कि आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा। फिर सेकंड स्टेप में आपको अपनी नई सोच के लिए स्किल्स डेवलप करनी पड़ेंगी ताकि आप एक बड़ा बिजनेस बना के बी में मूव कर सके। लेकिन उससे पहले हमें इन चारों क्वाड्रेंट्स के लोगों की सोच को समझ के उसे चेंज करना पड़ेगा। पहले ई क्वाड्रेंट के लोगों की सोच। ई क्वाड्रेंट वाले लोगों को आप अक्सर ये कहते हुए सुनेंगे, मैं कोई सेफ रास्ता ढूंढ रहा हूँ, कोई सिक्योर जॉब हो जिसमें अच्छी पे हो और साथ ही अच्छे बेनिफिट्स हो। दोस्तों, जो लोग ई क्वाड्रेंट्स में रहते हैं उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी होती है कि हर महीने उन्हें पता हो कि उन्हें कितने पैसे मिलेंगे। इस क्वाड्रेंट में आप भले ही किसी कंपनी के लाखों कमाने वाले वाइस प्रेसिडेंट हों या फिर कुछ हजार कमाने वाले एक जेनेटर, उन सब की कोर वैल्यू और सोच सेम ही होती है। आप जब भी इनके सामने कोई बिजनेस स्टार्ट करने की बात करेंगे तो ये हमेशा यही कहेंगे, यार बिजनेस तो बहुत रिस्की होता है। क्योंकि इन लोगों की कोर वैल्यू सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है, इसलिए वो अपने अंदर की इस कोर वैल्यू की नज़र से ही दुनिया को देखते हैं। इस तरह ही जो बिजनेस एक एंटरप्रेन्योर को एक्साइट करता है, वही बिजनेस एक ई वाले के लिए बहुत बड़ा डर साबित हो सकता है। दूसरे हैं एस क्वाड्रेंट वाले लोगों की सोच। इस क्वाड्रेंट में लोग ऐसा सोचते हैं कि जो भी काम आप सही करना चाहते हैं वो आप खुद करें। यानी एस क्वाड्रेंट में रहने वाले लोगों की कोर वैल्यू इंडिपेंडेंस होती है। ये किसी भी काम के लिए किसी और पे डिपेंड नहीं करना चाहते। अक्सर जॉब करने वाले लोग इंडिपेंडेंस की तलाश में एस क्वाड्रेंट में मूव करते हैं। एस क्वाड्रेंट में मिलने वाले लोग छोटे बिजनेस के मालिक होते हैं, जैसे स्पेशलिस्ट या कंसल्टेंट्स, और इनकी इनकम अक्सर फीस या कमीशन में होती है, जो कि डिपेंड करती है कि वो अपने काम में कितना टाइम लगाते हैं। एस क्वाड्रेंट वाले लोग बहुत पढ़े लिखे और बहुत टेक्निकल स्किल्स वाले होते हैं, लेकिन उनके पास बी क्वाड्रेंट में जाने के लिए लीडरशिप स्किल्स नहीं होती। ये लोग अपनी टीम में सबसे ज्यादा स्मार्ट होते हैं, इसलिए इन्हें किसी और का काम पसंद ही नहीं आता, क्योंकि एस वाले लोग अपना काम किसी और को डेलीगेट नहीं कर सकते, इसीलिए वो अपना छोटा बिजनेस कभी ग्रो ही नहीं कर सकते। दोस्तों, एक एस वाले इंसान को बी में मूव करने के लिए ज्यादा टेक्निकल स्किल्स नहीं चाहिए, बल्कि लीडरशिप स्किल्स चाहिए। यही एक बहुत बड़ा रीजन है कि ए स्टूडेंट्स जाकर सी स्टूडेंट्स के लिए काम करते हैं। और तीसरी है बी क्वाड्रेंट की सोच। बी क्वाड्रेंट वाले लोगों को आप अक्सर ये कहते हुए सुनेंगे कि वो बेस्ट लोगों की तलाश में हैं ताकि वो उन्हें अपनी टीम में डाल सकें। क्योंकि बी क्वाड्रेंट के लोगों की कोर वैल्यू होती है वेल्थ बिल्डिंग, यानी ये दौलत बनाना चाहते हैं। ये लोग एक अच्छी टीम को वैल्यू करते हैं और एफिशिएंट टीम वर्क में बिलीव करते हैं। ये लोग अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं और जितना पॉसिबल हो सके उतने ज्यादा लोगों के साथ काम करना चाहते हैं। जहाँ एक एस क्वाड्रेंट वाला अपने काम में बेस्ट होना चाहता है, वहीं बी क्वाड्रेंट वाला ऐसे लोगों की टीम बनाना चाहता है जो अपने काम में बेस्ट हो। इसी वजह से अपना बेस्ट काम करने वाला एस हमेशा एक बी के अंडर काम करता है। दोस्तों, हेनरी फोर्ड बी क्वाड्रेंट की एक बहुत बड़ी मिसाल है। वो खुद इतने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन फिर भी बहुत पढ़े लिखे और स्मार्ट लोग उनके अंडर काम करते थे। इसलिए जब बात पैसे कमाने की आती है तो एक असल बी वाला बंदा अपना बिजनेस छोड़ के जा सकता है, तब भी वो पैसे कमाता रहता है। लेकिन एस वाला बंदा कभी भी अपना काम छोड़ के नहीं जा सकता, क्योंकि फिर उसकी कमाई बंद हो जाती है। तो आइए अब दोस्तों देखते हैं कि एक ई या एस वाले इंसान को बी में मूव करने के लिए अपनी सोच कैसे बदलनी पड़ेगी। जैसे हमने पहले एग्जांपल्स में टीचर की बात की, एक टीचर को अपना स्मॉल बिजनेस को बड़े बिजनेस में कन्वर्ट करने के लिए अपने जैसे दूसरे टीचर हायर करने पड़ेंगे, उन्हें ट्रेन करके एक टीम बनानी पड़ेगी ताकि उसे अपने इंस्टीट्यूट में खुद ना पढ़ाना पड़े और वो उन जगहों से भी पैसा बना सके जहां वो नहीं हो सकता। वैसे एक डॉक्टर को अपने जैसे डॉक्टर्स की टीम बनानी पड़ेगी ताकि उसका हॉस्पिटल चलाने के लिए उसकी जरूरत ना पड़े। अपनी टीम बिल्ड करके, उन्हें अपना काम डेलीगेट करके, उन्हें मोटिवेट करके और अपने बिजनेस का एक सिस्टम बनाना पड़ेगा ताकि उससे ग्रो करके एक पैसिव इनकम बनाई जा सके। ये सारी स्किल्स हम हमारी बड़ा बिजनेस सीरीज की अगली वीडियोस में सीखने वाले हैं। अभी के लिए अगर आप एक एम्प्लॉय हैं या स्मॉल बिजनेस चलाते हैं और फिलहाल आपके पास कोई बड़े बिजनेस का आइडिया नहीं है, तो आपको अपनी सेविंग्स इन्वेस्ट करके आई क्वाड्रेंट में आना चाहिए। आप में से काफी लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि वो स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको सबसे पहले एक डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा। जिस तरह से आपके बैंक अकाउंट में पैसे रखे होते हैं, वैसे इसी तरह इस डीमैट अकाउंट में आपके शेयर्स रखे होते हैं।
ये डीमैट अकाउंट आपके सेविंग्स अकाउंट से लिंक होता है ताकि आप जब भी शेयर्स लें या बेचें तो वो पैसे आपके सेविंग्स अकाउंट में आ जाएं। आजकल एक डीमैट अकाउंट आप बहुत ही आसानी से अपने मोबाइल से खोल सकते हैं। दोस्तों मैं दो ऐसी कंपनीज को जानता हूं जहां आप बहुत ही आसानी से डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। पहली है ज़ीरोधा जहां आप 300 रुपए में डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं और दूसरी है अपस्टॉक जो लिमिटेड टाइम ऑफर के चलते हुए फ्री में डीमैट अकाउंट खोल रहे हैं। और अगर आप फ्लिपकार्ट 200 का प्रोमो कोड यूज करें तो आपको 200 रुपीज का फ्री वाउचर भी मिलेगा। इन दोनों के अकाउंट आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाकर खोल सकते हैं। मैंने दोनों लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या अभी आपके पास सेविंग्स के लिए पैसे नहीं है तो तब भी आपको डीमैट अकाउंट तो जरूर ओपन करना चाहिए सीखने के लिए। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट सैटरडे को बड़ा बिजनेस सीरीज की दूसरी वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच।